रुद्रप्रयाग जिले से खबर है जहां देर रात भारी बारिश के कारण मधमहेश्वर मंदिर ट्रैक पर बंतोली गोंडार में मारकंडे नदी पर बना पुल बह गया और इससे क्षेत्र में आवागमन भी बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीआरएफ डीडीआरएफ पुलिस बल और प्रशासन की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई है। जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा खुद मौके पर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं के सफल रेस्क्यू के लिए नानूचट्टी में स्थानीय लोगों की मदद से वैकल्पिक हेलीपैड बनाया गया है ताकि त्वरित रेस्क्यू किया जा सके। यात्रा मार्ग पर फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज सूचना मिली है कि हमारा जो मधमहेश्वर जो ट्रैक है वहाँ पर गोंडार के समीप जो हमारा पैदल पुलिया था लकड़ी का वो बह गया है, जिससे हमारे उस क्षेत्र में जितने भी यात्री थे अथवा जो लोकल थे वहाँ पर लगभग 150 की संख्या में फंसे हुए हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर हमारी पूरे प्रशासन की टीम एसडीआरएफ डीडीआरएफ वहाँ पर मौके पर चली गई है, प्रशासनिक टीम भी चली गई है और जितने भी यात्री वहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय की निगरानी में वहाँ पर रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर दिया गया है और वहाँ पर अल्टरनेटिव जो राशि है वहाँ पर एक वैकल्पिक हेलीपैड बना दिया गया है, प्रशासन वहाँ पर लगा हुआ है और इसमें जितने भी जो भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और प्रशासन का ये भी अनुरोध है कि जिन किसी भी परिवार के यात्रीगण वहाँ पर इस यात्रा मार्ग में फंसे हुए हैं तो ये हमारे जो संपर्क नंबर है आपदा कंट्रोल के उस पर संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर है 8958757335 और एक लैंडलाइन है 01364233727। इन दो नंबर पर आप संपर्क करके उनके कुशल क्षेम के बारे में और जो भी जानकारी है आप प्रशासन से इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।